ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में मलमा सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है प्रातःकाल की कुछ अहम खबरों पे नजर डालने का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताया तो सियासी मैदान में महाभारत छिड़ गई। चीन में कोविड नियमों में ढील से शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स 361 और निफ्टी 118 अंक। अमेरिका का सबसे बड़ा मॉडर्न शहर न्यूयॉर्क बना वॉर जोन। उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में इस समय मौसम जानलेवा बना हुआ है। प्रकृति के इस खूंखार हमले से 50 लोगों की हुई मौत। मुकेश अंबानी से बहुत आगे निकले अडानी। गौतम अडानी के लिए 2022 बेहद शानदार रहा, अडानी ग्रुप के शेयरों ने किया कमाल। अखिल राजस्थान स्वार्थ संघ ट्रस्ट के तत्वाधान में कलाल समाज का पहली बार भव्य ऐतिहासिक प्रतिभा सम्मान समारोह इंदिरा प्रियदर्शिनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा ने सीएम एकनाथ शिंदे के 865 गांव और कुछ कस्बों को महाराष्ट्र में शामिल करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कोरोना से निपटने के लिए तैयार मुंबई के अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाओं की गई है पूरी तैयारी। वाहन टक्कर से मजदूर की मौत पर करनी सेना ने किया प्रदर्शन और 10 लाख के मुआवजे पर बनी सहमति। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करेगी। महिला रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का हुआ बोलबाला। रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस काफी बुरी तरह से पिटी, दर्शकों ने नकारा फिल्म सर्कस को। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।